वेलकम टू आवर चैनल PCS बाबा। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी JSSC CGL 2022 में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे, और सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, जिससे आपको सारी चीज़ों का नॉलेज हो तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टोटल 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा, मतलब 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मैं आप जिम्मेवार हूँ आपके 60 मार्क्स के लिए, और मैं सारा क्वेश्चन को आपको कवर कराऊंगा, और 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। अब कंप्यूटर को समझने के लिए समझिए कि एक आदमी का जो दिमाग है और उसका शरीर जो है जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से सोचता है, तो उसी को देख करके कंप्यूटर का डिज़ाइन किया गया है, और उसी से इंटर रिलेटेड है कंप्यूटर। तो अगर आप इंटर रिलेट करके आप पढ़िएगा तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है? एक मशीन है जो कि प्रोग्रामिंग के माध्यम से जो भी कैलकुलेशंस होता है, या तो तार्किक संचालन मतलब कि रीजनिंग होता है, वो सारों को सॉल्व करता है। अगर हम डेफिनेशन का बात करें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार करती है और डेटा को प्रोसेस करती है। फिर उस डेटा से जो प्रोसेस डेटा होता है उसे आउटपुट उत्पन्न करती है, और भविष्य में यूज करने के लिए उसको परिणाम को सुरक्षित रखती है, स्टोर करके रखती है। अब सिमिलरली आदमी का समझिए कि आदमी कोई किसी से बात कर रहा होता है, तो कोई एक बात बोलता है तो उसको सुनता है, फिर वो खुद समझता है, समझने के बाद में उसके अगेंस्ट में फिर कुछ बोलता है और फिर याद भी रखता है कि फलाना ने क्या बोला था। ठीक है, बस कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। कंप्यूटर देखा जाए तो इस तरह से है कि एक इसको मॉनिटर बोला जाता है। आप सभी ने कंप्यूटर देख रखा होगा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी उसको कुछ ना कुछ प्रिंट करने का ज़रूरत पड़ा होगा, क्योंकि इतने सारे फॉर्म्स भरते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रिंट करने का ज़रूरत पड़ता होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए फटाफट बता दूं कि इसको बोलते हैं प्रिंटर, इसको बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है? वो डेटा को डिस्प्ले करना होता है, जो भी कुछ भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। कोई भी हम लोग मूवी देखते हैं, कोई चीज़ टाइप करते हैं, वो हमको यहाँ पर दिखता है। तो मॉनिटर हो गया, CPU हो गया। CPU इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग वन बाय वन चीज़ों को। यह है स्पीकर है। स्पीकर क्या करता है? हमें वॉइस देता है, मतलब आवाज़ देता है। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड हम जहाँ से हम टाइप करते हैं। माउस क्या होता है? जैसे कि हम ये माउस है जो घुमा रहे हैं इधर उधर, ये माउस कोई भी चीज़ को पॉइंट कर सकता है, जैसे मैंने इसको भी पॉइंट किया। ये है मॉनिटर, ये है CPU, तो ये माउस का काम है। ये क्या है? माइक है। माइक क्या करता है? वॉइस को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट्स हो गए कंप्यूटर के। और थोड़ा डिटेल में देखिए कंप्यूटर के पार्ट्स को, तो बोलते हैं इसको UPS बोलते हैं, जिसको UPS का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब बिना रुके पावर को सप्लाई करना। तो कंप्यूटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मनुष्य जो होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई आदमी जैसे बीमार पड़ता है तो वेंटिलेशन में रखा जाता है, तो उसको रेगुलर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि उसको लगातार उसको ऑक्सीजन मिल सके ताकि वो जिंदा रहे। वैसे ही कंप्यूटर को लिए अगर अचानक से लाइट कट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो जाता है, चला जाता है, तो क्या होगा? कंप्यूटर अचानक से धड़ाम से बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा। और क्या होगा? जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं सब बर्बाद। कंप्यूटर अचानक बंद हो गया तो कौन सर्किट उड़ेगा पता नहीं। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती है जो कि अनबिहेवियर, मतलब कि हम समझ नहीं सकते कि क्या होगा। ठीक है, उसके लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर एक छोटा सा बैटरी लगा होता है। वो बैटरी क्या करता है? जब लाइट रहता है तो चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद जैसे ही लाइट कटा तो ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई अपने यहाँ से देने लग जाता है, और यूजर को इंडिकेट करता है लाइट के माध्यम से कि भाई लाइट चला गया है, हम आपको बस बचा रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं किसी तरह से। तो आप फटाफट आप जो काम कर रहे थे उसको सेव कर रखे रखिए, और सिस्टम को तरीके से बंद कर दीजिए। ठीक है, तो तरीके से बंद कर देता है यूजर, तो इसका बहुत ही अच्छा यूज है। नेक्स्ट पार्ट्स के बाद बात करते हैं, तो है मदरबोर्ड। इसको बोलते हैं मेन बोर्ड बोलते हैं। मेन बोर्ड में क्या होता है? कि मेन बोर्ड में सारा सर्किटिंग का काम होता है, मतलब जो भी सर्किट होता है, जो भी वायर्स पीछे होते हैं, जो भी होता है ना,
जैसे हम लोग का पूरा बॉडी बोल सकते हैं, बॉडी क्या होता है, सारा एक बॉडी होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड होता है। यह है सीपीयू का केस है, इसको मतलब खाली डब्बा है, इसे कुछ है नहीं, इसको इसमें सब कुछ कुछ ये सारा जो चीज़ें जो देख रहे हैं आप, सारी चीज़ों को इसके अंदर में समाया हुआ रहता है, मतलब उसको ढंग से सजा के रखा हुआ रहता है ताकि सब अपना अपना काम कर सके। यह है SSD और HSD, इसको बोला जाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है लंबे समय तक के लिए। ये माउस के बारे में बता चुके थे, इधर के बारे में पूरा पोर्शन बता चुके थे। नेक्स्ट है रैम। रैम क्या होता है, रैम समझिए कि एक तरह का मेमोरी है। अब हार्ड डिस्क भी एक तरह का मेमोरी है, ये भी एक तरह का मेमोरी है, भाई दो दो तरह का मेमोरी कैसे होता है? अब मनुष्य में सोचिए कैसे होता है, आदमी में कैसे होता है? आदमी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो दिमाग कुछ देर के लिए सुनता है, समझता है, चीज़ों को याद रखता है थोड़ा देर के लिए, बट 5 दिन 10 दिन के बाद में क्या होता है, वो चीज़ों को भूल जाता है। इसका मतलब वो चीज़ें कहाँ थी, रैम में थी। रैम क्या होता है कि आपको जगह देता है, मतलब होता है ना, जैसे क्या होता है, एक जगह देता है जहाँ पर आप, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह होता है जहाँ चीज़ों को ले जाया जाता है, फिर वहाँ से उठा के कहीं और रखा जाता है, ठीक है? तो वो जगह होता है, हमेशा सामान उसमें आते जाते रहता है, ऐसा नहीं कि स्टोर रूम। स्टोर रूम क्या हुआ, जहाँ पर सामान हमेशा बहुत दिन तक के लिए रखा जाता है, जब जरूरत नहीं पड़े तो उसको डिलीट कर दे सकते हैं, ठीक है? बट रैम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइप के होता है, जहाँ पर स्टेशन टाइप से होता है कि वहाँ सामान आता है और सामान चला जाता है, ठीक है? तो रैम वैसे ही होता है मेमोरी, वहाँ पर हम लोग कुछ काम करने के लिए हम लोग को मेमोरी की जरूरत पड़ता है, तो ये बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए थोड़ा कम होता है। और SSD होता है, बहुत उसका रेंट कम होता है, तो उसको हम लोग ज़्यादा रख सकते हैं। ये साउंड कार्ड है, ये DVD प्लेयर है, DVD ड्राइव है, मतलब DVD जिसमें CD उसमें रख के हम लोग CD को चला सकते हैं। ये CPU है, CPU मतलब जहाँ पे कितना फास्ट काम करेगा, नहीं करेगा, प्रोसेसिंग कितना स्पीड करेगा, वो प्रोसेसर का काम करता है। ये पावर सप्लाई के लिए है, मतलब यहाँ से लाइट वाइट जो है वो पावर सप्लाई मिलता है, ठीक है? तो मोटा मोटी आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गए जो हम लोग जान गए। अब मॉडर्न कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आधुनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल, ठीक है? अभी आगे बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के बारे में। तो वास्तविक मशीनरी जिसमें कि तार होता है, ट्रांजिस्टर होता है, सर्किट होता है, सबको हार्डवेयर बोलते हैं, मतलब मशीने, कंप्यूटर के वो मशीने जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, आसान भाषा में बोला जाए तो जिनको हम लोग टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। जो प्रोग्राम होता है, जो निर्देश होता है, जो कहाँ पे हो रहता है, मेमोरी में रखा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि उसको हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है? नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको CPU बोलते हैं। CPU किसको बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर का हार्ट होता है। कंप्यूटर का हार्ट मतलब कि अगर वो, जैसे मनुष्य का हार्ट है, अगर पंपिंग करना बंद कर दे तो आदमी मर जाता है, वैसे ही CPU है, अगर CPU चलना बंद हो जाए तो CPU मतलब कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर का दिल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हिच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कौन सा पार्ट होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर का दिल कहते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे CPU। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी अभी हम बताया कि दो तीन तरह का होता है, कुछ फास्ट मेमोरी होता है, कुछ महंगा होता है, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। तो फास्ट का मतलब होगा कि जल्दी जल्दी काम कर सके, तो ऑब्वियस सी बात है वो महंगा होगा, ठीक है? वैसा मेमोरी जो धीरे धीरे काम करेगा, ज़्यादा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। और क्या बोलेंगे उसको, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्चुअली में, क्योंकि बहुत लंबा समय तक के लिए रहता है और वो सस्ता होता है, ठीक है? टेम्पररी मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को। रैम को किस, रैम को बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी, वो फास्ट होता है। मास स्टोरेज डिवाइस, मास स्टोरेज, और कुछ कुछ डिवाइस जो होता है, अब जो स्टोरेज करने का डिवाइस होता है, कुछ स्लोवर होता है, कुछ चीपर होता है, सस्ता होता है, कोई लॉन्ग टर्म का होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने में ये होता था फ्लॉपी डिस्क, ठीक है? ये है आपका DVD, ये कैसेट्स हो गए, ये सब जानते होंगे पुराने ज़माने के हो गए। नए ज़माने में क्या आ गए हैं, ये पेन ड्राइव्स हो गए, आपका मेमोरी कार्ड हो गया जो कि कैमरा में होता है, सब कार्ड रीडर हो गया, ये सब चीज़ें हो गया आपका मास स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस वो होते डिवाइस होते हैं जो इनपुट लेते हैं किसी भी माध्यम से, जैसे कि माउस हो गया तो हम लोग क्लिक करते हैं तो इनपुट ले लिया। ये है जो स्टिक है गेम खेलने के लिए होता है, ये स्कैनर है जहाँ हम लोग स्कैन करके डेटा हम लोग इन कंप्यूटर के अंदर में भेजते हैं। ये कीबोर्ड है जो कीबोर्ड टाइप करके हम लोग डेटा को कंप्यूटर के अंदर में भेजते हैं। ये जो स्टिक है इससे हम लोग इसको घुमाते हैं तो ये काम करता है, सिग्नल भेजता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से समझ में आ रहा है कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जो हमें आउटपुट देते हैं,
ठीक है, जैसे कि स्पीकर हो गया हमें साउंड देता है, मॉनिटर हो गया डिस्प्ले कराता है, ये प्रोजेक्टर हो गया जो हम लोग मूवी वूवी देखते हैं, कोई भी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्री को हम लोग इसमें प्रोजेक्टर के थ्रू देख सकते हैं। ये प्रिंटर हो गया जहाँ हम लोग प्रिंट करके निकालते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को दो चार भागों में बांट दिया गया है सहूलियत के लिए, पढ़ाई में आसानी हो या जानने समझने के लिए, तो उसको कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो खुद का छोटा मोटा काम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हम लोग का लैपटॉप हो गया खुद का काम करने के लिए करते हैं, उसमें हम लोग छोटा छोटा वर्ड फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और कोई फोटो और एडिटिंग करना हो गया, या तो कोई फाइल बनाना हो गया, कोई पीपीटी बनाना हो गया, छोटा मोटा काम जो भी होता है पर्सनल कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन होता है कंप्यूटर, वो भी ऐसे ही होता है पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही, बट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर आप निरंतरण जो होता है ना, अच्छा क्वालिटी का कंप्यूटर होता है जहाँ पर हम लगातार काम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ खास तरह का काम किया जा सकता है। हाई क्वालिटी का जो मॉनिटर होता है इसमें, जैसे देखिए इसमें तीन सिस्टम लगा हुआ है, एक ही से कनेक्टेड है, एक ऐसा प्रॉपर सेटअप किया गया है जिसमें खुद यहाँ पर पावर बैकअप है, आराम से ऐसा सिस्टम जहाँ पर काम कर सकते हैं यूजर। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्लीट, तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो जो होता है छोटा छोटा कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स जो देखो अभी एक इमेज में देखो, छोटा छोटा कंप्यूटर्स है जो छोटा छोटा काम करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़ा होता है, पावरफुल होता है, एक साथ में हजारों करोड़ों लोग मतलब का थाउजेंड्स लोग काम कर सकते हैं, वैसा कंप्यूटर को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, नाम से ही लग रहा है सुपर है, सुपर हीरो जैसे होता है वैसे ही सुपर है, इसमें एक बार में 1 करोड़ इंस्ट्रक्शंस को पास किया जाता है, मतलब परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि हम लोग एक टास्क बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, हम लोग समझते हैं इस तरह से कि जैसे कि खाना खाना, जब आओ खाना खा लो तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया, जब आओ गाना गा दो तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया, इस तरह का 1 करोड़ इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में, ठीक है, ये इसको परफॉर्म कर लेता है। चलिए यहाँ तक हो गया हमें बेसिक जानकारी कंप्यूटर्स का, हम लोग फटाफट क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है ये वो हम, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग को पहले से पता होंगे, फिर भी एक बार देखिए क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको नए नए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कंप्यूटर जो शब्द है कौन सा भाषा से लिया गया है, तो क्योंकि ये याद करने वाला चीज़ है कि लैटिन भाषा से लिया गया है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर, जिसमें इनपुट होता है आउटपुट होता है और प्रोसेसिंग होता है, ये सबको मिला के क्या बोलते हैं, तो उसको कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, कौन सा फोर मेजर जो मेजर फंक्शन है, पहला फंक्शन है इनपुट, इनपुट लेना कंप्यूटर का काम है, इनपुट नहीं लेगा तो प्रोसेस नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं देगा, और जो आउटपुट होगा उसको स्टोर नहीं कर सकता, तो ये सारी चीज़ होते हैं बट सीक्वेंस में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, क्योंकि एग्जांपल सेम एग्जांपल पूरा लंबा इस जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें चलेगा, तो हम एग्जांपल लेते हैं ईटा फैक्ट्री का। ईटा फैक्ट्री में क्या होता है कि एज ए रॉ मटेरियल मिट्टी लाया जाता है, ठीक है, अब अगर हम इसमें प्रोसेस देखा जाए तो ईंटा बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें मिट्टी लाया जाता है, मिट्टी को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर उसको साना जाता है, फिर उसको ढांचे में ढाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, देन उसको निकाल करके फिर उसको बेचने के लिए उसको तैयार करके उसमें लगाया जाता है कि भाई 1 नंबर का ईंटा है, 2 नंबर का ईंटा है, 3 नंबर का ईंटा है, क्वालिटी वाइज, ठीक है। तो वैसे ही होता है कंप्यूटर में, इनपुट होता है, इनपुट के तौर पर जाता है डेटा, डेटा क्या होता है, डेटा क्या हो सकता है, डेटा जे टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट मतलब कि कोई हम लोग लिखते हैं, कैरेक्टर हो सकता है, इमेज हो सकता है मतलब फोटो, कोई फोटो डाल दिए वो हो सकता है एज ए डेटा, वीडियो हो सकता है ना, मूवी वूवी जो होता है वो वीडियो आपका उस तरह का हो गया, और नेक्स्ट हो सकता है आपका ऑडियो, कोई भी आवाज़ वॉइस आपका इनपुट हो सकता है। तो एक मतलब कॉमन चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं जो टेक्स्ट होगा आपका, इमेज होगा, वीडियो होगा, ऑडियो होगा, ये सारी चीज़ें आपका इनपुट होता है। तो इनपुट लेने के बाद ये सारा जो इनपुट होता है उसके बाद में जो जो काम होता है बीच में प्रोसेसिंग होता है। अब ऐसा नहीं कि अब ईंटा में मिट्टी डे रहे मिट्टी ले गए और हमको जाके सीधा आपको क्या बोलते हैं ईंटा मिल रहा है, वो तो राहुल गांधी वाला चीज़ में होता है ना कि आलू डालो और सोने के
आपको क्या बोलते हैं पैसे मिलेंगे, वैसा नहीं है इसमें। इसमें है कि आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इनपुट लीजिए, प्रोसेस कीजिए, आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट जो होगा, अगर आपको उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखना है तो आप उसको स्टोर करके रखेंगे। जैसे बारिश का मौसम होता है तो उसमें ईंटा को हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि पानी में भीग जाएगा, तो उसका डिज़ाइन सही नहीं रहेगा, तो अच्छा से बन नहीं पाएगा ईंटा, तो हम लोग उसमें काम करते नहीं। पर बारिश के मौसम में, तो बारिश के मौसम में भी जो काम होता है, बिल्डिंग का काम होता है, उसमें उसके स्टोर करके रखा जाता है। तो सिमिलरली आपको इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जो होता है उसमें आपको एक सारा काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इंटू इन्फॉर्मेशन। डेटा को कलेक्ट करना और उसे एक सूचना में परिवर्तित करना। कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन में अगर कोई चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं तो उसका काम होता है प्रोसेसिंग करना, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है? कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कर सकता है, वो है सोचना। क्योंकि अगर कंप्यूटर सोचने लग जाए तो फिर वो आदमी बन जाएगा। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच द फॉलोइंग फंक्शन। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है? कंप्यूटर जोड़ घटाव गुणा भाग उसके लिए तो बनाया गया है, तो कंप्यूटर सब काम तो करेगा ही करेगा। तो वो इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, बेक अ केक, मतलब केक बनाना। क्या केक बना सकता है कंप्यूटर? तो नहीं बना सकता है। नेक्स्ट है, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स। देखिए IBPS क्लर्क एग्जाम में, मेन्स एग्जाम में आया हुआ है। जो भाग्य संख्या होता है, मतलब भाग संख्या, कौन सा पार्ट नंबर हो रहा है, कौन सा विवरण है, ये सारा चीज़ किस में होता है? प्रोसेसिंग में यूज होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग में हर चीज़ों को एक क्रम संख्या दिया जाता है, उसका एक विवरण लिखा जाता है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या लाभ है? तो कंप्यूटर का यूज क्यों किया जाता है? सबसे पहले समझिए, कंप्यूटर को बनाया किस लिए गया है? कंप्यूटर को इसलिए बनाया गया है क्योंकि आदमी थक जाता है, और लगातार अगर उसको काम कराया जाए तो उसको सही से आउटपुट देना बंद कर देगा। ठीक है, कभी सो जाएगा तो कुछ क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं। तो कंप्यूटर का जो सबसे मेजर काम है कि वो फास्ट होता है। जो आदमी 10 जन्म में नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर 1 सेकेंड में कर सकता है। ठीक है, ऐसा चीज़ है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत सारा डेटा को स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। असंसाधित वस्तुओं का एक संग्रह। अब हम लोग जैसे ईटा वाला एग्जाम्पल लिए थे, उसमें मिट्टी क्या था? रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हम लोग का जो रॉ मटेरियल होगा कंप्यूटर में, वो क्या होगा? डेटा होगा। तो डेटा, हमने आपको बताया था कि डेटा जो होगा वो टेक्स्ट हो सकता है, या तो इमेज होगा, या तो वीडियो होगा, या तो ऑडियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। निम्नलिखित में से किस चक्र में इसके घटकों के रूप में एक इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज शामिल है? ठीक है, तो जहाँ कौन सा चीज़ का इनपुट होता है? डेटा का इनपुट होता है, डेटा का ही प्रोसेसिंग होता है, डेटा से ही आउटपुट निकलता है, और डेटा को ही स्टोर किया जाता है। तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डेटा ही नहीं हो तो हम काम किस पे करेंगे? अगर मिट्टी ही नहीं हो तो ईंटा कैसे बनेगा? ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लैंक इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द मीनिंगफुल फैशन। अब ईटा वाला एग्जाम्पल हमने क्या बोला था कि मिट्टी को थोड़ी ना दिखाया जाता है कि भाई ले लो मिट्टी, एक नंबर का मिट्टी है, 2 नंबर का मिट्टी है, ऐसा थोड़ी ना किया जाता है। ईटा वाला में क्या जाता है कि भाई एक नंबर का ईटा है, 2 नंबर का ईटा है। तो जब ईटा बन गया तो क्या है, जैसे हम लोग मशीन में डेटा डाले तो डेटा से क्या बना? इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग को दिखाते हैं लोगों को कि भाई इस आपने डेटा डाला था तो इतना सारा डेटा से आपको इन्फॉर्मेशन मिला। ठीक है, तो जैसे कि कोई अमेजोन कंपनी हो गया तो उसमें बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते हैं कोई भी आइटम में, मान लीजिए लाइक बॉय का साबुन है, उसमें बार बार क्लिक किया जा रहा है, तो उसमें डिटेक्ट कर लेगा कि भाई भाई लाइक भाई लाइक बॉय साबुन को बार बार क्लिक किया जा रहा है। तो उससे एक इन्फॉर्मेशन निकल के आया कि लाइक बॉय को बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो उसको सबसे ऊपर में दिखाया जाए, तो एक इन्फॉर्मेशन हुआ। वैसे ही एक नंबर ईंटा को सबसे आगे रखा जाता है कि भाई बहुत अच्छा ईंट क्वालिटी का ईंटा है, तो इसको आगे रखा जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ही होता है जो हम लोग को डेटा से मिलता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या तो सूचना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा मशीन है जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को यूज करता है? हार्डवेयर नहीं, CPU नहीं, पेरिफेरल नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं। अब एक एक करके समझिए चीज़ों को कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जो होता है, जिसको हम लोग टच करते हैं, उसका काम होता है कि इनपुट देना या तो आउटपुट लेना। CPU क्या होता है? CPU होता है कि आपको सारे चीज़ों के बीच में कनेक्शन बनाता है, जितने भी हार्डवेयर होते हैं।
पेरीफेरल किसको बोलते हैं, पेरीफेरल बोलते हैं जितना भी कनेक्शन होता है उसको हम लोग पेरीफेरल बोलते हैं, और जितने भी पेरीफेरल डिवाइसेस मतलब उस वायर से जितने भी चीज़ें कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्राम होता है जो किसी खास पर्पज़ के लिए बनाया जाता है उस प्रोग्राम को। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि प्रोसेसर उसको बोला जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन और डेटा को यूज करता है उसको बोलता है प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेप एंड द टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब करने के लिए कुछ बोला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कि भाई हमको आपको आइकन में क्लिक करना है, लोगो में क्लिक करना है। तो जैसे खाना किसी को बोला था कि भाई जाके खाना खा लो, तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। अब नीचे के जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सब चीज़ों को मैनेज करता है। सब चीज़ों कहने का मतलब कि सारे चीज़ों को, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जितना भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जितना भी टास्क मैनेजमेंट होता है, जो भी काम कर रहा होता है, जितना प्रोसेस होता है, सबको मैनेज करता है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर के अंदर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारे मोबाइल भी एक कंप्यूटर जैसा है, तो उसके अंदर में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम लोग का जैसे एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा फंक्शनैलिटी के कौन सा हार्डवेयर को कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कौन सा हार्ड, मान लीजिए कि कोई एक ही कैमरा को दो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता है तो नहीं कर सकता, वो हार्डवेयर सबको मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कि भाई ऑलरेडी कैमरा यूज में है, कभी कभी देखिएगा कि आप कैमरा अगर दोबारा यूज करना चाहे तो नहीं करने देता है, वो सब रोकता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम रोकता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है किसी खास पर्पज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करना। जैसे कि आपको फोटोशॉप हो गया, तो फोटो एडिटिंग के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया कि फोटो को एडिट कर सके। एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। एमएस एक्सेल क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। इसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट एंड हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, जो सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा है, उसका नाम है एबाकस। एबाकस किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। बेबेज हम लोग देखते हैं कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है एबाकस। एबाकस देखिए इसमें बहुत सारे, इसमें गोला गोला लगा हुआ है, लकड़ी का या तो लोहा का फ्रेम बना हुआ होता है, इसे इस तरह से लोहे लगाए होते हैं, तो बच्चों को सिखाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे इसमें देखिए कि क्या है कि टोटल इसमें पाँच थे, तो पाँच में से तीन ऊपर चले गए मतलब माइनस कर दिए, तो कितने बचे, दो। इसमें से एक नीचे गिरा दिया गया तो कितना हो गया, तीन, तो ऊपर कितने बचे, दो। इसमें जोड़ और घटाव का काम किया जाता है, जोड़ और घटाव हो सकता है, तो एबाकस कैन परफॉर्म। अब देखिए पिक्चर आपने देख लिया है तो समझ में आ ही सकता है कि इसमें क्या किया जा सकता है, जोड़ और घटाव भी किया जा सकता है। तो इसको बोला, इसको इसका जो आंसर होगा बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेपियर टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन कोल्ड। नेपियर टेक्नोलॉजी था जिसके एक बुक लिखा गया है ना नेपियर टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है रैपडोलॉजिया। देखिए एक किताब है जो किसने लिखा था, नेपियर में, उसने पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा बताया है इस किताब में। नेपियर क्या है, रैपडोलॉजिया, इसको याद कर लीजिएगा कि नेपियर टेक्नोलॉजी आपका से रिलेटेड है रैपडोलॉजिया। नेक्स्ट है पास्कालिन। पास्कालिन इज नोन एज एडिंग मशीन। याद करने वाला चीज़ है कि पास्कालिन क्या है, एडिंग मशीन है मतलब जोड़ घटाव करने वाला मशीन है। ये सब पुराना पुराना चीज़ें हैं, उसको थोड़ा थोड़ा याद कर लो, क्योंकि अभी लेटेस्ट चीज़ों में सब कोई यूज तो होगा नहीं, बस खाली याद रखना है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है पंच्ड कार्ड वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच्ड कार्ड, देखिए यहाँ पे ये लड़की बैठी हुई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नुकीला है, यहाँ पे पंचिंग कर रही है। तो ये जो पंचिंग जो ये मशीन जो बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, जैकवार्ड के द्वारा बनाया गया था। तो जैकवार्ड इस पंचिंग कार्ड का मशीन बनाया गया था, जिसमें पंच करने के लिए, जैसे गोला गोला दिख रहा है यहाँ पर, गोला गोला, तो यहाँ पर पंच करते हैं तो यहाँ पर गोला बन जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सबको पता है किसका आंसर है, चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। एनालिटिक इंजन जो है विश्लेषणात्मक इंजन किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वो था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एनालिटिकल इंजन है क्या, एक बार देख लो नीचे राइट साइड में एक फोटो है,
ये क्या है कि 0 to 9 इसको हम लोग रोटेट करते हैं तो नंबर इसमें आते जाता है। तो ये है एनालिटिकल इंजन, जो कि इसको बोलता है क्या, काउंटर व्हील्स बोला जाता है। तो काउंटर व्हील्स बनाया गया था एनालिटिकल इंजन का यूज करके, ठीक है, इसको काउंटर व्हील्स बोलते हैं। टेबुलेटिंग मशीन वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। अब टेबुलेटिंग मशीन क्या होता है, देखिए यहाँ पर राइट साइड में देखिए मशीन दिख रहा है, ये है भाई साहब हरमन होलेरिथ। तो हरमन होलेरिथ जिन्होंने जो इस डिवाइस को बनाया था, इसका नाम है क्या, टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेट इसको, ये है इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दोनों का मिला के बनाया जाता है, इस मशीन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। किसने बनवाया था, हरमन होलार्थ ने। नेक्स्ट है, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर था एनियक, वो किसने बनाया था। तो भाई इसमें देखिए, इस फोटो में देखिए दो लोग हैं, दोनों भाई साहब लोग, ये हैं प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन भी मॉचले। तो देखिए जब फोटो से याद रखिएगा कि इसमें क्या है कि दो लोग हैं, जो कि पहला एनियक कंप्यूटर का डिज़ाइन किया गया था, जो पहला कंप्यूटर था एनियक डिज़ाइन, उसमें इसमें लिखा हुआ है एनियक 19,000 पॉसिबिलिटीज़, इस तरह का कंप्यूटर बनाया गया था, ये दो लोग मिलकर बनाए थे। तो देखिए ऑप्शन में जहाँ पर रहेगा दो ऑप्शन, वहाँ पर आप उसको मार दीजिएगा, उसमें याद रख लीजिएगा ये दोनों का नाम। नेक्स्ट है, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, मतलब पहला कंप्यूटर कौन सा था जो स्टोरेज प्रोवाइड करता था, उसका नाम था एडसैक। ये एडसैक है जो स्टोरेज को प्रोवाइड करते हैं, पहला स्टोरेज कंप्यूटर है। पहला पहला बहुत बार आ रहा है, बट हर पहला का अलग मतलब होता है। ये पहला कंप्यूटर है जो कि स्टोरेज होता है, इससे पहले पिछला वाला क्वेश्चन देखे थे, इसमें था कि ये पहला कंप्यूटर था जो डिज़ाइन किया गया था। इसके हम लोग देखते हैं तो ये टेबलेटिंग मशीन है, ये भी पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। तो इसमें देखना है कि पहला में क्या चीज़ से रिलेटेड है, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल है तो हम लोग हरमन जी को मारेंगे, टेबुलेटिंग मशीन रहेगा तो हरमन जी को हम लोग मारेंगे। दूसरा है एनिक रहेंगे तो हम लोग दो लोग इसमें रहेगा, एक एक या नाम याद कर लो, प्रोस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचले। नेक्स्ट है कंप्यूटर जिसमें सबसे पहले जो था, जो स्टोरेज प्रोवाइड करता था, जिसमें हम लोग स्टोरेज मतलब कि जहाँ पर हम लोग डेटा को रख सकते थे, उसका नाम था एडसैक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। देखिए आज हम लोग कहते हैं कि लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन पहले इस तरह का कंप्यूटर आता था जो कि जनरल पर्पस मतलब कोई एक आदमी यूज कर सकता था, उसका नाम था यूनिवैक। ठीक है, कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। आप आज का डेट में देखा जाए तो कंप्यूटर छोटा सा होता है, जिसको हम लोग बैग में लेके घूमते हैं आराम से। तो समझिए कि लैपटॉप का साइज धीरे 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 छोटा होता हो गया। तो सबसे बड़ा कब रहा होगा, फर्स्ट जनरेशन में, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में, उसके बाद थर्ड जनरेशन में, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, मतलब एक घर में एक पूरा रखा हुआ है, मशीन 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 रखा हुआ है, इतना बड़ा होता था कंप्यूटर। अभी तो एक छोटा सा एक होता है, लैपटॉप में समाया हुआ है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे, मतलब पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो क्या चीज़ पे आधारित था, वो था वैक्यूम ट्यूब। ये देखो भाई लोग, देख लो इसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, इसको याद कर लो कि जो पहले बनाया गया था कंप्यूटर उसमें वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले बनाया गया कंप्यूटर था, कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर था उससे भी पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था, फर्स्ट जनरेशन से पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। देखिए इसमें क्या, इलेक्ट्रोमैकेनिकल से क्या समझ में आता है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा, मतलब यहाँ तार से जुड़ेगा, फिर कुछ यहाँ पर कार्यक्रम होगा, मैकेनिकल काम होगा, फिर यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। पर छोटा सा डिवाइस है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये आपको कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले बनाया गया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, पहला जो जनरेशन कंप्यूटर था कहाँ यूज किया गया था, तो मशीन में यूज किया गया था। अभी हम लोग क्या चीज़ में यूज़ करते हैं, फोटोशॉप में करते हैं, वीडियो एडिटिंग में करते हैं, बहुत सारा चीज़ों में करते हैं, वर्ड में करते हैं, एक्सेल में करते हैं। पहले किस में यूज किया जाता था, मशीन में ही यूज किया जाता था, कि मशीन को चलाने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट है आपको स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉच, जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर था वो कितना स्पीड था उसका, तो उसका जो स्पीड था याद रख लो माइक्रो सेकेंड था। अब माइक्रो मिली क्या होता है, 1 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड में आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 सेकेंड, मिली सेकेंड का हम बात करेंगे तो क्या होता है,
एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है। कितना होता है? 1000 मिली सेकेंड। हम लोग माइक्रो का बात कर रहे हैं, मतलब कि उसमें 6 जीरो होगा, ठीक है। माइक्रो मतलब मिली मतलब 3, माइक्रो मतलब 6, नैनो मतलब 9 और पिको मतलब 12, ठीक है, पिको मतलब 12। तो देखो कि माइक्रो सेकेंड मतलब कि 6 जीरो वाला, ठीक है, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख जो इंस्ट्रक्शंस है उसको 1 सेकेंड में काम कर देता था, ठीक है, या तो एक एक काम को करने में इतना मिली सेकेंड लगता था, ठीक है। इसका मतलब कि इतना काम 1 सेकेंड में हो जाता होगा। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। अब पीरियड समझिए कि कब से कब तक था कौन सा जनरेशन। तो उसके लिए हमने चार्ट यहाँ रख दिया है, देखिए 53 से 58 था फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, और 58 के बाद 66 तक था वो सेकेंड जनरेशन था, फिर 66 से 70, देखिए 50 से याद हुआ, 50 से 50 वाला दशक में फर्स्ट, 60 वाला दशक में सेकेंड, 70 वाला दशक में थर्ड, और 80 वाला दशक में फोर्थ, फिर उसके बाद वाला में फिफ्थ। अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है भाई, ऐसे ही याद रखना है। 50 से स्टार्ट हुआ था, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वाला होगा, ये 63 गया है, लास्ट वाला देखिएगा 63 गया है, 50 से स्टार्ट हुआ 63 गया है, तो ये सेकेंड वाला होगा, ठीक है। 40 का तो छोड़ दो, 40, 45, या 53 से स्टार्ट हुआ है जब, तो 40 वाला तो हटा ही दो सब। ये 57 से ए वाला है, तो याद रखना भाई 56 से 63 तक था, ठीक है। दोनों इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रहे हैं, बट हर एक चीज़ों में जो इन्फॉर्मेशन होता है सब जगह अलग अलग होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ए है, डेटा में यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो 1-2 साल का अंतर होता है क्योंकि उसमें टाइम लगता है चीज़ों को करने में। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का जो किस तरह से, जैसे मनुष्य पहले बंदर था, बंदर से फिर धीरे धीरे आदमी बन गया, वैसे ही सबसे पहले एबाकस था, फिर नेपियर बोन्स आया, हमने याद है नेपियर वाला हमने क्वेश्चन किए थे एक बार, इसमें एक किताब लिखा हुआ था नेपियर बोन से है। उसके बाद पास्कालिन आया था, इसमें जोड़ वाला जोड़ घटाव वाला काम होता है इसमें। उसके बाद में एक व्हील वाला पढ़े थे, नहीं याद है व्हील वाला, इसमें व्हील घुमा घुमा के नंबर आता था। उसके बाद में जैकवाड मशीन हो गया, जैकवाड, उसके बाद में एनालिटिकल इंजन हो गया, उसके बाद में सेंसस मशीन हो गया मार्क वन, उसके बाद में नया जनरेशन का कंप्यूटर आने लग गया। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग बिकम्स पॉसिबल। टाइम शेयरिंग कौन सा जनरेशन से शुरू हो गया था? तो टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि टाइम शेयरिंग मतलब कि एक ही टाइम पे दो काम करना, तो उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग, मतलब एक ही टाइम पे दो काम करना, तो उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। वो कब पॉसिबल हुआ? सेकेंड जनरेशन से। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चिप और आईसी वेयर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम द व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चिप का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। याद रखने वाला चीज़ है कि चिप का जो है वो थर्ड जनरेशन, इसको चिप बोलते हैं, देखिए इसमें बहुत सारा इसमें लगा होता है, इसको सर्किट में उसको अलग अलग जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे उसको सोल्डिंग कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं आईसी है। इसी को आईसी बोला जाता है, इसको चिप बोला जाता है, ठीक है, इसको शॉर्टकट में इसको चिप बोला जाता है। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही है, चिप इज ए कॉमन निक नेम ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विथ सिलिकन से बना होता था, किससे नहीं, किससे बना होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता था। देखिए यहाँ चिप लगा हुआ है, ये सारा क्या है आपका? चिप है, देखिए यहाँ पे चिप लगा हुआ है ये सारा, ये यहाँ देखिए चिप लगा हुआ है, इधर से ये किधर कनेक्ट किया हुआ है, इधर कनेक्ट किया हुआ है, तो ये सारा चिप 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 से ही बना हुआ है सारा चीज़, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पूरा सर्किट डिज़ाइन किया गया है, तीसरी पीढ़ी में शुरू हो गया था ये। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप यूज इन द कंप्यूटर आर मेड विथ, जो भी आईसी जो होता है क्या चीज़ से बना होता है, तो सिलिकन से बना होता है, ठीक है। अब भाई ये कॉपर हो गया, एलुमिनियम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर, ये बहुत सारा महंगा होता है, ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकन का। सिलिकन क्या होता है एक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं सिलिकन क्या होता है। नेक्स्ट है ए कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑन ए स्मॉल सिलिकन चिप इज कॉल्ड। एक छोटे सिलिकन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रिक घटकों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है, जो चिप के साथ एक बनाया जाता है, मतलब सिलिकन के साथ जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट है पीसी। पीसीज आर कनेक्टेड विद द फोर्थ जनरेशन और द कंटेन द पीसी। पीसी को चौथी पीढ़ी माना जाता है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें क्या यूज किया जाता था? इससे पहले हम लोग क्या यूज किए? सर्किट का यूज किया, आईसी का यूज किया। उससे पहले क्या हम लोग यूज करते थे? वो
उससे पहले हम लोग यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब सबका यूज करते थे, मतलब पहला में वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, ठीक है। अभी जो हम लोग फोर्थ जनरेशन था, वहाँ से हम लोग IC मतलब माइक्रोचिप का यूज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, मतलब ये है माइक्रो प्रोसेसर। और हम लोग जानते हैं कि इंटेल जो है एक माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझिए क्या चीज़ होता है। जैसे मनुष्य सोचता है उसी तरह कंप्यूटर को सोचने वाला बनाना, वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे बहुत सारा ब्रिज होता है, तो ब्रिज के बाहर नीचे जो अंदर से जो गाड़ी वाड़ी जाता है, तो वहाँ पर बारिश के दिन में क्या होता है कि पानी नीचे भर जाता है, तो ब्रिज को कब बंद करना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ जाता है कि भाई बारिश होने की संभावना है तो नीचे का अंडरग्राउंड को बंद कर देते हैं ताकि पानी अंदर की तरफ ना जाए। तो हो गया एक एग्जाम्पल छोटा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका नाम था सिद्धार्था। जो पहला कंप्यूटर जो भारत ने बनाया था उसका नाम था, देखिए इसमें जो लिखा गया है कि सिद्धार्थ वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। सिद्धार्थ जो कंप्यूटर था जो भारत में सबसे पहले बनाया गया था, कब बनाया गया था? अगस्त 1986 में। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये कंप्यूटर जनरेशन जो है 19 के दशक से ही हमारे पास आया है मार्केट में। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन है, और डिज़ाइन जो दिए थे भाई साहब ने दिए थे, इनका नाम है जॉन वॉन न्यूमान। जॉन वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर मशीन डिजाइन बाय फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमान, ठीक है। इन्होंने कंप्यूटर का पहला डिज़ाइन दिया था। एक्चुअली हम लोग हिस्ट्री का चीज़ें थोड़ा पढ़ रहे हैं, उसमें याद करने वाला चीज़ें थोड़ा ज़्यादा है। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, जो चिप देखिए फर्स्ट टाइम कैसे था। अभी हमने इंटीग्रेटेड चिप जो आपको दिखाया था कितना अच्छा लग रहा था, अभी जो इन्होंने जो डिज़ाइन किया था फर्स्ट टाइम जो इंटीग्रेटेड चिप था इस तरह से था, उसका इन्होंने करवाया था। इनका नाम है जे एस कैलबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन लार्जेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड मतलब एक कौन सा किस तरह से एक इंस्ट्रक्शंस को काम में लाया जाता है। जैसे कि बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अगर कंप्यूटर को दे दिया जाए, तो अगर सिक्वेंशियल दिया जाए, सिक्वेंशियल मतलब कि एक बाय एक किया जाए, तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अभी का जो जनरेशन का कंप्यूटर होता है उसमें दोनों तरह का होता है, सिक्वेंशियल भी होता है, प्रॉब्लम भी होता है, मतलब पैरेलल भी होता है। देखिए सिक्वेंशियल का क्या हुआ कि सीरीज में जाता है, एक प्रॉब्लम एक प्रोसेसर। इसमें हो गया पैरेलल में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम दिया गया उसको डिवाइड कर दिया बहुत सारे टास्क में, फिर बहुत सारा टास्क बहुत सारा प्रोसेसर लगा दिया गया और एक काम को जल्दी से कर दिया गया। तो दोनों का कम्बिनेशन हमारे आज के लेटेस्ट जनरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज और फिजिकल इक्विपमेंट। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों की 3 बुनियादी श्रेणियाँ होती है। 3 बुनियादी श्रेणी होता है जिसका है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ये तीनों चीज़ होता है जो कि बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पीसी का अर्थ बताएं, तो पीसी का मतलब हुआ कि पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर। तो देखिए सेकेंड नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स, जो खुद का काम करने के लिए जो भी कंप्यूटर बनाया गया है जिसमें अपना छोटा मोटा काम किया जा सकता है, अपना पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, वैसे कंप्यूटर को बोलते हैं पीसी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम, ठीक है। अब जो भी कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर जो बनाया जाता है वो माइक्रो प्रोसेसर का उसमें यूज किया जाता है। उसमें क्या यूज किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो हम लोग लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि i3 प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेसर्स होते हैं वो कंप्यूटर के मतलब पर्सनल कंप्यूटर के अंदर में लगे हुए होते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ। अब टैबलेट पीसी, अब इसमें जब नाम बोल ही दिए पीसी तो पीसी से समझ में आ गया कि माइक्रो कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर हु ट्रैवल एज नोन एज। अरे भाई कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जिसको उपयोग करने के लिए इधर से उधर ढो के ले जाया जा सकता है? तो वही बात है, लैपटॉप है।
लैपटॉप को सुविधाजनक कोई भी कंप्यूटर कोई भी जगह पे ट्रैवल में ले जाया जा सकता है। अब सुपर कंप्यूटर को तो भाई जहाँ पर सेटअप कर दिया वो वहीं पर रहेगा, कहीं ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। मिनी कंप्यूटर्स वो छोटे होते हैं बट भारी होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तो एक सेटअप होता है पूरा प्रॉपर जहाँ पर बैठ के काम करना होता है। लैपटॉप को हम कहीं पर ले जा करके अपना काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर क्या बोला जाता है उसको माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर समझ लीजिए कि माइक्रो में क्या होता है, जब भी माइक्रो वाला आएगा तो पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन हैंडहेल्ड का उपयोग करता है, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, तो एक पीडीए होता है, देख रहे हैं पीडीए। पीडीए पहले देखिए यहाँ पे ये इमेज ईवीए वाला लगा हुआ है, तो इस तरह का जो हैंडहेल्ड, हैंडहेल्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है जिसमें पॉकेट में रख के इसको घूम सकते हैं, मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको हम लोग पॉकेट में लेके जैसे तो ट्रैवल कर सकते हैं उसको बोलते हैं हैंडहेल्ड सिस्टम। तो उसका एक एग्जाम्पल है पीडीए। पालम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, पालम टॉप जो है, पाम टॉप जो है क्या बोला जाता है उसको, हैंडहोल्ड। ये छोटा सा होता है, इसको ऐसे इसे मोड़ दो पॉकेट में रख लो और लेके चल दो, ठीक है, इसको बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है ये भी। नेक्स्ट है अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसीज वर्क स्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। सर्वर क्या होता है, एक जगह पे रखा हुआ होता है जिसमें बहुत सारे वर्क स्टेशन जुड़े होते हैं, बहुत सारे पीसी जुड़े होते हैं, और वहाँ से डेटा लाया जाता है, डेटा को रखा जाता है। ऐसा जगह अगर कुछ होता है तो उसको बोला जाता है पीसी, मतलब सॉरी सर्वर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जानते हैं, कैड। कैड का यूज कौन करता है, ज़्यादातर यूज करता है सिविल वाले लोग। जब पुल का डिज़ाइन करना होता है, बड़ा बड़ा मॉल का डिज़ाइन करना होता है, तो कैड का यूज किया जाता है। तो कैड एक अलग तरह का कंप्यूटर होता है, मतलब होता है जिसमें हम लोग खास उसको उस काम के लिए बनाया जाता है, उसका नाम है मिनी कंप्यूटर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, मतलब सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा महंगा तो हम बोलेंगे तो होगा सुपर कंप्यूटर। जो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ये जो फोटो जो दिख रहा है ना, फोटो है सुपर कंप्यूटर का फोटो है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है आपका, सर्वर है, नोटबुक्स कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है और मेन फ्रेम है। अगर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर अगर होता ऑप्शन में तो हम लोग सुपर कंप्यूटर मारते ऑप्शन में, ठीक है। बट उससे छोटा वाला जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होता है, जिसमें बहुत सारे सिस्टम जुड़े हुए होते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है द यूज़र जनरली अप्लाइज टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। जनरली क्या होता है कि क्या चीज़ का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे फोटो बहुत सारा लगा हुआ है, 1 8 ये सारे कंप्यूटर्स हैं। तो हर एक कंप्यूटर को एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक नोड बोलते हैं। एक नोड से दूसरा नोड तक कंप्यूटर सब नेटवर्क में जुड़े हुए होते हैं। तो बहुत सारा कंप्यूटर का एक सेटअप होता है जिसको हम लोग मेन फ्रेम या तो सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, एक कंप्यूटर नहीं होते, बहुत सारे कंप्यूटर का कंबाइंड होता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। ये विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो जटिल गणनाएं बहुत तेज़ी से करते हैं। अगर ऑप्शन में अगर इस तरह का है सुपर कंप्यूटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि सुपर कंप्यूटर ऑप्शन होगा, क्योंकि जो अगर जल्दी काम करना है, फास्ट काम करना है, तो सबसे जो तेज कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट इज अ ब्लैंक इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। बहुत एक बहुत बड़ा और बहुत महंगा, ठीक है, कंप्यूटर जो भी साइंटिफिक काम करने के लिए, तो बिजनेस काम के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए एप्लीकेशन जो है, मतलब कंप्यूटर जो है उसको बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। नीचे में देखिए यहाँ पर कॉस्ट लिखा हुआ है, चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। इकाएं, तहें, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इतना पैसा तो कमा भी नहीं सकते हैं लगता है अपना जीवन में, इतना पैसा का एक कंप्यूटर होता है। इतना इसीलिए इतना महंगा है, इसीलिए एक कंप्यूटर वहाँ पर पैसा बैठाया हुआ है, कहाँ पे, पुणे में, जिसका नाम है प्रत्यूष। प्रत्यूष जो है, इसके बारे में अभी अगला क्वेश्चन आने वाला है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, तो
पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया गया था, उसका नाम था PRAM। ठीक है, PRAM था सुपर कंप्यूटर जो पहला था। प्रत्यूष इज, ठीक है, प्रत्यूष जो है जो चौथा कंप्यूटर है दुनिया का, जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जो एग्जाम्पल में जो फोटो में दिख रहा है ना वही है फोर्थ प्रत्यूष, इसका नाम है प्रत्यूष। ठीक है, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, कौन सा स्थान पे आता है, इसका चौथा स्थान आता है, याद रख लेना, चौथा स्थान आता है। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर्स, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला मल्टी पेटा फ्लॉप्स PF कम सुपर कंप्यूटर है, तो उसका नाम है प्रत्यूष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग का मतलब होता है, जैसे पहले बचपन में पढ़े होंगे साइन कोस पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रिक पल्स, पल्स सब तो जानते होंगे, चलिए एक बार दिखाते हैं फोटो में, देखिए ये वाला चीज़ है, ये जो होता है पल्सेस होते हैं, इसको बोलते हैं पल्सेस, अगर ये रेगुलर चाहिए, ठीक है, तो रेगुलर चाहिए तो हम क्या चाहिए, रेगुलर में आपको क्या चाहिए, रेगुलर में आपको कंटिन्यूअस चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, कंप्यूटर तो उसी बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग मतलब होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अगर आपको चाहिए कोई भी सिग्नल तो आपको लिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस का सप्लाई चाहिए आपको इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है, सीस्मोग्राफ किसका उदाहरण है, सीस्मोग्राफ देखिए यहाँ पे नीचे में ग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है इस तरह से, इस तरह का जो ग्राफ होता है ये क्या है, एनालॉग है या डिजिटल है, अगर इस तरह का अगर आपको ग्राफ देखने को मिले तो है आपको एनालॉग, डिजिटल मतलब क्या होता है, नंबर 1 2 3 4 5 ये नंबर हुआ, अगर इस तरह से अगर आपको दिखने को मिले तो होता है डिजिटल, तो अभी जो एग्जाम्पल में जो फोटो दिख रहा है वो सब क्या है आपका, एनालॉग है, तो फोटो से समझ लीजिए कि सेमोग्राफ क्या होता है, ग्राफ बोल ही रहा है, ग्राफ ग्राफ का मतलब ही हुआ कि आपको भाई ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ जब करेंगे तो क्या होगा, आंसर एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है दिस कंप्यूटर वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट, बाइनरी मतलब 0101, तो 01 मतलब क्या हो गया, नंबर, नंबर मतलब डिजिटल, ठीक है, तो आंसर डिजिटल होगा इसका, एनालॉग और डिजिटल में समझ लीजिए पहले अंतर क्या है, अगर नंबर दिख रहा है आपको तो डिजिटल मारना है, और आपको अगर ग्राफ दिख रहा है इस तरह से रेगुलर कुछ ग्राफ दिख रहा है तो आपको एनालॉग मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछ रहा है कि चूज द वर्ड ओड वन आउट, इसमें सबसे जो अलग है उसको हटा देना है, तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, नोटबुक कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो हो गया एक खास तरह का कंप्यूटर हुआ, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जिसमें कि 0101 वाला आपको दिखाया जाएगा, बाकी सारा जो कंप्यूटर है उसमें सारा चीज़ काम होता है, माइक्रो में भी डिजिटल एनालॉग दोनों होता है, मिनी में भी दोनों होता है, सुपर कंप्यूटर में भी दोनों होता है, नोटबुक में भी दोनों होता है, ठीक है, तो डिजिटल हो गया इसमें सिर्फ डिजिटल का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है SBI क्लर्क 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसको बोलते हैं, हाइब्रिड का मतलब हुआ कि एनालॉग और डिजिटल दोनों, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन द हॉस्पिटल लाइक ECG एंड डायलिसिस, तो देखिए ये है ग्राफ, जब हम लोग हार्ट का जो होता है ना पंपिंग का देखते हैं तो इस तरह का ग्राफ जनरली मूवी सब में भी दिखाया जाता है, तो होता है जब ऐसे ग्राफ दिखे तो मतलब एनालॉग है, बट कितना स्पीड से चल रहा है उसमें साइड में एक नंबर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, कितना स्पीड चल रहा है, तो वो सब इसलिए इसको डिजिटल भी बोलते हैं, तो ये दोनों तरह का होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर जो होगा उसका नाम होगा हाइब्रिड होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन को देख के मारना है, क्योंकि ECG जो है उसमें दोनों होता है, डायलिसिस भी हो जो जिससे किया जाता है उसमें दोनों होता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर, जो सामान्य प्रयोजन के लिए जो भी कंप्यूटर होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, क्रिएटिंग ए स्मॉल डेटाबेस, छोटा मोटा डेटाबेस बनाने के लिए, परफॉर्म कैलकुलेशन जोड़ घटाव करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, तो भाई कंप्यूटर लिए हैं लैपटॉप लिए हैं तो छोटा मोटा काम तो करेंगे ही, तो ये सारा जो होगा, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, कौन
कौन सा विशेष प्रयोजन कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो जो खास पर्पस के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो है ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मतलब एयरक्राफ्ट को, मतलब एरोप्लेन को अगर लैंड कराना है तो उसके लिए तो भाई स्पेशल कंप्यूटर भी डिजाइन करना पड़ेगा ना। तो पूछा है कि कौन नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसर होगा इसका सही आंसर, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर जो होता है सारे के लैपटॉप में होता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग? तो भाई अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं, देखिए भाई साहब एक अलग तरह का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, स्पेशल पर्पस है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? अब देखो कौन सा ऐसा मशीन है जो ब्रेन को कॉपी कर सकता है बहुत तेजी से, उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर देखिए क्या है, क्वांटम का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में विद्युत विद्युत चुंबकीय एनर्जी है ना, विद्युत चुंबकीय एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो बहुत जल्दी काम करेगा, तो क्वांटम कंप्यूटर इसका सही आंसर होगा। IBS PO 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज्ड? इसमें से कंप्यूटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो बैंकिंग में, तो यस बैंकिंग में किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफिसेस, ऑफिस में भी किया जाता है, एजुकेशन में भी किया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, सारे जगह में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू? यह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करता है जैसा कि मनुष्य करता है। तो हम बहुत पहले ही बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सिस्टम है जो मनुष्य की तरह सोचने वाला मशीन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिजाइन कंस्ट्रक्शंस ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स? अब भाई हर एक चीज़ का पढ़ाई करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। अब रोबोट्स का पढ़ाई करने के लिए ऑब्वियस सी बात है रोबोटिक्स का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। नैनो जो होता है, नैनो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है वो होता है कि पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर में, मतलब पार्टिकल्स के अंदर में भी छोटे छोटे, मतलब कि नैनो मतलब नाउ, मतलब 10^9, मतलब इतना छोटा पार्टिकल्स के अंदर का चीज़ों को जानने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हो गया खुद को मतलब मनुष्य जैसा बनाना, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर बताए कि बहुत तेज़ी से काम करता है, तो रोबोटिक्स ऐसा है जो रोबोट का डिजाइन करता है, उसका निर्माण करता है, उसका संचालन करता है, उसको बोलते हैं रोबोटिक्स। साइंस वाला हम लोग पढ़ते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका डिपार्टमेंट हो जाता है, अगर मेडिकल का बोलते हैं तो मेडिकल साइंस हो जाता है उसका डिपार्टमेंट, वैसे ही रोबोट का अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं रोबोटिक्स। तो होप सो ये बेसिक क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के जो चैप्टर 1 के थे, अगर आपके सारे क्वेश्चंस आई थिंक कवर हो गए होंगे। अगर अच्छा लगा हुआ वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं क्योंकि ये बहुत, इसमें हिस्ट्री हिस्ट्री का पार्ट था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो हर एक चीज़ों को जो भी नया नया चीज़ बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट नेक्स्ट चैप्टर से कम टाइम लगेगा और जल्दी आपको सारे चैप्टर्स कवर करा दिए जाएंगे। तो होप सो आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को तक शेयर कीजिए, और अब ऑल द बेस्ट फॉर योर JSC CGL 2022 का एग्ज़ाम, जिसमें आप सफल हों और आपको पूरे के पूरे कंप्यूटर साइंस से आपको मार्क्स मिले। धन्यवाद।